भारतीय सेना के सभी जवानों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम बैंगलोर डिफेंस एकेडमी से बोल रहे हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं हम ACC 2020 कैसे पास करें। काफ़ी जवानों ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इस टाइप के पेपर हम कैसे पास करें, किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहली बात आपको ये याद रखना चाहिए कि आप ये पेपर आराम से पास कर सकते हो, लेकिन जब तक आप इंग्लिश सही ढंग से बोल नहीं पाते तब तक आपका SSB पास करना बहुत मुश्किल है। इंग्लिश नाम का एक पेपर आपको सेपरेटली होता है ACC में, तो ये पेपर को आप सीरियसली ले लेना। यदि आप रिटन एग्जाम क्लियर कर पाते हैं फिर भी आपको एक बड़ा सा चैलेंज होगा SSB में, ठीक है। तो SSB में आपको क्यों ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपका जो रूटीन है सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक आप कभी इंग्लिश सुनते नहीं, आपके दोस्त लोग या आपके कंपेनियन कभी बोलते नहीं, ये दिक्कत की बात है, इसलिए आपको इंग्लिश बोलना बहुत कठिन होता है। तो डोंट वरी, हम यहाँ पे बैंगलोर डिफेंस एकेडमी में आपको इंग्लिश कैसे इजी वे में हम आपका आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हम बताएंगे। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सपोज सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट में हम पहले देखेंगे ज्योग्राफी। ये जो ज्योग्राफी नाम का सब्जेक्ट है, इसमें हम इसको 2 भाग में करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। पहली बात, आपको इंडियन ज्योग्राफी में ऑल द 28 स्टेट्स एंड कैपिटल आपको याद रखना चाहिए। 28 स्टेट्स एंड कैपिटल, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लेके देखेंगे तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैपिटल पूछे गए हैं, राइट। मिजोरम, इस फिर बाद में नागालैंड, ईस्ट स्टेट के कैपिटल पूछे गए हैं। तो आपको पहली बात तो 28 स्टेट्स, पूरा भारत का नक्शा आपको याद रहना चाहिए, ओके। कौन सा स्टेट, यू नो, सपोज फॉर, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सवाल ऐसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स, ओके। मैक्सिमम इंडियन स्टेट, इसका मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पर एक स्टेट है, मैंने ले लिया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में कितने सारे स्टेट्स हैं। इस तरह इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका बॉर्डरिंग स्टेट सबसे ज्यादा है, वो भी इंडियंस, ओके। ये इंडियन स्टेट की बात हो गई, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, यही क्वेश्चन को सवाल ऐसे भी कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय मैक्सिमम फॉरिन स्टेट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये मैंने भारत का नक्शा बनाया है, इमेजिन हियर, यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चाइना है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ओके। सो भारत में ऐसा कौन सा देश है जो नेबरिंग स्टेट से ज्यादा शेयर करता है, अपना बाउंड्री नेबरिंग स्टेट से ज्यादा शेयर करता है। सो क्या होता है कि एक सवाल आपको 100% इस टाइप के सवाल आएंगे, तो उसके बाद आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में से कंट्रीज एंड कैपिटल पूछे जाएंगे, कंट्रीज एंड कैपिटल। ये बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले साउथ अमेरिका ले लेना, साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज है उसके कैपिटल्स ले लेना, उसके बाहर कर देना। आज तक कभी ACC में करेंसी के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ये क्वेश्चन ज्यादातर AFCAT में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करेंसी आप याद रख लेना, अगर पूछा जाए तो आप, यू नो, आप रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। पहले आपको साउथ अफ्रीका कंट्रीज एंड कैपिटल, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका ले लेना, उसके बाद में यूरोप ले लेना, उसके बाद में एशिया, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया। तो ये हुई पहली बात कि आपको इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल, उसके बाद में वर्ल्ड स्टेट, वर्ल्ड कंट्रीज एंड कैपिटल, ये ले लेना, ठीक है। और सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूं कि इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये दुनिया के कितने कंट्रीज, कितने देशों में से क्रॉस करता है, राइट। नंबर पूछे जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 12, वॉट एवर इट इज। तो आपको पहली बात ये याद रखना चाहिए, इक्वेटर ये नाम की जो लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये कितने देश में से क्रॉस करता है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ओके। अभी सपोज अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सपोज ये मैंने अर्थ बनाया, ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आपको पता होगा कि ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये बराबर भारत को 2 भाग में बांटता है। तो और एक सवाल पूछा जाएगा, यदि रिटर्न में नहीं पूछा जाए तो आपको पॉसिबिलिटीज है कि SSB में पूछा जाएगा। तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, ओके, ऐसा मत करो कि आप एग्जाम के एग्जाम को लेकर ही, मैं एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहा हूं, ऐसा मत कीजिए।
प्लीज कीप इन माइंड कि आप एसएसबी को याद में रख के, माइंड में रख के आप एग्जाम का तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग हो, जीके में स्ट्रांग हो, आपका एसीसी निकलना 100% पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक आप बोल नहीं पाएंगे, जब तक आपका एक्सप्रेशन ठीक नहीं होगा, तब तक आप एसीसी पास करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और आपको मालूम है एसएसबी मतलब क्या है, यहाँ पे देर इज नो पार्शियलिटी, ओके, यहाँ पे पार्शियलिटी नाम की चीज नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए, और एक चीज है नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, 23.5 डिग्री साउथ, ओके, इसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कितने देशों में से क्रॉस होता है, ओके, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। अभी और एक सवाल मैं आपको करता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में से, सेम इक्वेटर को लेकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को लेकर, ओके, इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बराबर स्ट्रैटेजी बताया था, हर एक सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ें, एसीसी को आप कैसे अप्रोच करें। इस वीडियो में हम बता रहे हैं एग्जांपल क्वेश्चंस, पिछले साल के या प्रीवियस ईयर के एसीसी में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। अभी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा ऐसा देश है जो इक्वेटर भी पास होता है और कैप्रिकॉन भी पास होता है, ओके, तो आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी लोगे यहाँ पे ऐसा सपोज, ओके, ये हो गया इक्वेटर और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और जब आप ब्राजील नाम का देश देखोगे यहाँ पे, ओके, पहले आप, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में साउथ अमेरिका का कंट्रीज एंड कैपिटल आपको याद रखना पड़ेगा, तो ब्राजील का कैपिटल हो गया है ब्रासिलिया, ओके। अब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा एसएसबी के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें एसीसी के रिटर्न एग्जाम के साथ साथ, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ब्राजील दिया है तो ब्राजील इज द राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपको पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, खाली मैंने आपको बताया है इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉन, ये तीन लैटिट्यूड लेकर आपको इतने सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, कितने देश पास होता है और कौन से देश में से इक्वेटर और कैप्रिकॉन दोनों पास होता है, कौन सा कॉन्टिनेंट में से इक्वेटर एंड कैंसर, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा कॉन्टिनेंट, यहाँ पे मैं अगला सवाल कर रहा हूँ कॉन्टिनेंट, ओके, इक्वेटर एंड कॉन्टिनेंट कौन सा कॉन्टिनेंट में से पास हो रहा है, इन दिस वे क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ठीक है। अब बात आई एसएसबी की कि सर मैंने इसका आंसर ढूंढ लिया है, सपोज मैंने इक्वेटर का आंसर ढूंढ लिया, कैप्रिकॉन का आंसर ढूंढ लिया, सबका आंसर मैंने ढूंढ लिया, लेकिन इसका और एसएसबी का क्या सवाल हो सकता है। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर हो, ओके, अगर आप हर रोज आपका न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो आपको पता चलेगा ब्राजीलिया में बोल्सोनारो नाम का एक प्रेसिडेंट है, ओके, बोल्सोनारो, ये जो प्रेसिडेंट है ये अभी दुनिया के सबसे अभी कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर है, क्योंकि लॉकडाउन नाम का चीज पूरा दुनिया में सब पूरा देश फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है ये इसके खिलाफ है, ठीक है। तो अगर आप आज एसएसबी में हो, ओके, अगर आप आज एसएसबी में हो और अगर आपको इंटरव्यू ऑफिसर आपको प्रश्न करता है कि बताइए साउथ अमेरिका में कुछ दो तीन बातें, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप बता सकते हो कि ब्राजील का कैपिटल ब्रासिलिया है और उसका प्रेसिडेंट बोल्सोनारो है और उसमें ये चीज है, और उसके आगे आप आगे बढ़ते बढ़ते ब्राजील के बारे में बताते बताते आप ब्रिक्स के बारे में बता सकते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ओके, उसके आगे आप क्या बता सकते हैं कि यू नो पॉलिटिकल सिनेरियो लाइक दिस। जब आप इस स्थिति में आ चुके हो, जब आप इस स्टेट में आ चुके हो, कंडीशन में आ चुके हो, इसका मतलब आपका एसएसबी 100% पास होने का पॉसिबल है, लेकिन ये आप इंग्लिश में बोलना चाहिए, राइट, यू हैव टू स्पीक इट इन इंग्लिश। जब तक आप इंग्लिश में नहीं बोलोगे तब तक आपका एसएसबी क्रैक करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये हो गया ज्योग्राफी का बात बताया मैंने, अब आगे चलेंगे इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में बांटेंगे, अगर आपको टाइम है तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, ये हिस्ट्री को हम बोलेंगे एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। कई सारे क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं और ये बहुत बहुत आसान है, ओके, इसको हम कहाँ से पढ़ेंगे, 1757 से, ओके, 1757 से। यदि अगर आप कोशिश कर रहे हो, आपका स्वयं प्रयत्न है, तो आपको मालूम है कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, ओके, तो हम यहाँ से इसको स्टार्टिंग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, 1757, बाद में 1764, बाद में 1806, फिर बाद में 1853, फिर 1857, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 इसे कहते हैं हम रिवॉल्ट ऑफ 1857, ओके, यहाँ पे नाना साहेब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे कई कई सारी हस्तियों के नाम आते हैं और हमें ये पता है कि ये लोगों ने क्या किया है, ठीक है। जब बात आती है हिस्ट्री एग्जामिनेशन की, तब आपको खाली डेट्स, फैक्ट्स, नाम याद रखना पड़ता है, लेकिन जब आप अगर एसएसबी में आपको प्रेजेंट करना है या फिर इंग्लिश में
एसे नाम का, निबंध नाम का एक टॉपिक होता है, राइट। तो अगर आपका नॉलेज है दोस्तों, तो आप आराम से आपका एसे आप आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश आपको एसे में लिखना है, मतलब एसे आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक आई टोल्ड दैट। तो आपको एसे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और उसका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो नहीं होना पड़ेगा। सब लोग, एवरी इंडिविजुअल हैज नॉलेज, सभी के पास नॉलेज होता है, लेकिन कोई लोग, कुछ लोग पेपर में लिख नहीं पाते, कुछ लोग बोलने में बहुत आगे होते हैं लेकिन वो पेपर में लिख नहीं पाते। तो ये जो एसएससी का जो सेटअप है वो कैसा सेटअप किया है कि वो पेपर में भी लिखना चाहिए, एसएसबी में बोलना भी चाहिए। तो ये होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए। दोस्तों घबराने की बात नहीं, आप सभी ऑफिसर बन सकते हो, आपका अगर हौसला बुलंद है तो आप डेफिनेटली आप बन सकते हो, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में उसके बाद हम गांधी के बारे में देखेंगे, गांधी क्या क्या करते हैं, क्या क्या रिवॉल्ट करते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट लॉर्ड्स, ओके, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग कौन है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव कौन है, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, ओके, परमानेंट सेटलमेंट, इसे हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम। ये सवाल पूछा गया था आपके एसएससी एग्जाम में पिछले बार, जस्ट मुझे एक रिक्वेस्ट भेजा था एक जवान ने कि आप मुझे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। तो ये आपके लिए है स्पेशल वीडियो, ऐसे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपके लिए है स्पेशल। नाउ परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम, ये जमींदारी सिस्टम कौन से लॉर्ड ने बनाया, ओके, कौन से लॉर्ड ने बनाया। ऑप्शन दिया जाएगा वैरन हेस्टिंग, वेलेस्ली, समथिंग लाइक दैट। इसका आंसर है कॉर्नवालिस। तो अगर आप अप टू द पॉइंट पढ़ते हैं, आपको ये नहीं कि आप रिसर्च करें या फिर पीएचडी करें या फिर दुनिया का पूरा इतिहास जाने, आपको जस्ट इतना मालूम है, मालूम होना चाहिए कि भाई इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, लॉर्ड कौन से है, ठीक है। तो मैं आपको आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट लॉर्ड, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या है, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट, जमींदार सिस्टम, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। या फिर न्यूज़पेपर, आपको पता है एनी बेसेंट नाम की एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर थी, तो इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था और बहुत क्रांतिकारी औरत थी, ठीक है, और शी वॉज द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट। ओके, सो इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में। आइए बात हम करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। मिडिवल हिस्ट्री बहुत रोमांटिक है, ओके, आपने अगर मूवी देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी, राइट, बाद में पेशवा, इनका सबका, बाजीराव, सब मूवी देखा होगा, तो याद कीजिए रणवीर कपूर को और दीपिका पादुकोण को। तो आइए हम सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, एसीसी की तरफ, राइट। जब आता है मिडिवल हिस्ट्री के टाइम, यहाँ पे आपको निक नेम पूछा जाएगा, ओके, हर एक राजा का अलग अलग नाम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी को हम सिकंदर सहानी कहा जाते हैं, सिकंदर, ओके, सिकंदर सहानी। नेक्स्ट हम औरंगजेब को आलमगीर के नाम, आलमगीर या फिर जिंदा पीर के नाम से हम जाने जाते हैं, राइट। तो ये जो है, आपको इस सवाल आने के ज्यादा चांसेस है एसीसी एग्जाम में। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में ज्यादातर कुछ नहीं आता, आपको खाली इंडस वैली सिविलाइजेशन, टेंपल, केव, बुद्धिज्म, ओके, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ओके, इस टाइप के सवाल आने की संभावना है, ओके। घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, हिस्ट्री बहुत बड़ा है लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन इजिली क्रैक इट, ओके। हिस्ट्री के बाद हम करते हैं बात पॉलिटी की। पॉलिटी पूछा जाता है लेकिन इतना डेप्थ में नहीं, जैसे कि आप सीडीएस, एफकेट अगर आप कोशिश कर रहे हो तो उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता, ओके, लेकिन फिर भी अगर आप इसको आप लाइटली लेते हो तो ये रिस्की चीज है, ठीक है। तो पॉलिटी को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, पार्ट है, शेड्यूल है, ओके, शेड्यूल है, बाद में आर्टिकल से इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्लियामेंट, ओके, संसद। ये पार्लियामेंट में आप होता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का ए टू जेड आपको मालूम होना चाहिए, राज्यसभा का ए टू जेड मालूम होना चाहिए। उसके बाद में कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल, देन चीफ इकोनॉमिकल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके, ऐसे नाम के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इनका आर्टिकल्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, जब तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं, जब तक आपको अखबार पढ़ने की आदत नहीं है, तब तक आपको ये सब्जेक्ट बोर ही लगेगा। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, तो जब तक आप इस न्यूज़पेपर रीडिंग करने की आदत नहीं डालते, तब तक ये बहुत कष्ट की बात है। हमें पता है आपको सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक बराक में जाने हैं, लाइन फॉल इन, अटेंडेंस, ओके, रगड़ा, इसी में आपको पूरा लाइफ चला जाएगा। और ये चैलेंजेस के आगे कभी कभी आपको ड्यूटीज भी होते हैं 12 घंटा 15 घंटा, और इसके बीच आपको एसीसी एग्जाम क्रैक करना है। ये आपको अगर न्यूज़पेपर मैंने दिया आज भी फ्री टाइम पे, मिनिमम 2 घंटा, ओके, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मिनिमम 2 घंटा इंग्लिश न्यूज़पेपर
एसीसी का बंदा पढ़ना चाहिए, तब जाकर उसका इंग्लिश बनेगा, तब जाकर वो जाके एसएसबी क्रैक करेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, हमारे पास ट्रिक्स है। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कीजिए। इसके बावजूद आपको कुछ कम डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, और मेरा नंबर तो हम ऊपर दे रहे हैं, आप इस नंबर में आप बात कीजिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स तो बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल जीडीपी नाम का चीज क्या होता है, देन जीएनपी नाम का चीज क्या होता है, इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है करंट अफेयर्स। ओके, लास्ट टाइम एसीसी में एक सवाल पूछा गया था कि सीरिया का प्रेसिडेंट कौन है। ओके, सीरिया का जो प्रेसिडेंट कौन है, तो मैंने बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट पहले हम कंट्रीज एंड कैपिटल पढ़ेंगे। तो सीरिया कहां पर आता है, सीरिया आता है एशिया नाम के कॉन्टिनेंट में। और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, सीरिया का कैपिटल है डमास्कस। ओके, सीरिया का कैपिटल है डमास्कस। और डमास्कस का ये जो सीरिया है, इसमें आपने सुना होगा अमेरिका, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया सब लोग अटैक कर रहे हैं, और इसका प्रेसिडेंट है बशर अल असद। आप में से किसी दोस्तों ने या जवानों ने अगर ये एग्जाम लिखा हो तो आपको पता होगा सीरिया का प्रेसिडेंट कौन है, ये क्वेश्चन आया था। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया, क्यों, बिकॉज उन्होंने कभी अखबार पढ़ा नहीं, वो पूरा अपना जीके पार्ट के ऊपर ही डिपेंड गए थे, ठीक है। और ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको मैं वापस वापस कह रहा हूं कि खाली एग्जाम के मोटिवेशन में मत पढ़िएगा, एसएसबी को माइंड में रख के पढ़िएगा। ओके, मैं एसएसबी में, मैं अगर मुझे ये सवाल पूछा जाए तो मैं इस तरह में एक्सप्रेस करूंगा, उस तरह में बोलूंगा। ओके, वो भी इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये चीज है आपको याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी आई बात मैथ्स की, जब अभी एप्टीट्यूड नाम के जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको हर एक चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। टाइम एंड वर्क है, टाइम डिस्टेंस स्पीड है, पाइप्स एंड सिस्टम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, राइट। बाद में उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन मतलब एरिया सरफेस वॉल्यूम, ओके। और उसके बाद में ज्योमेट्री है, ओके। अभी अगर आप में से कोई है कि सर मेरे को मैथ्स नहीं आता, मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ मेंसुरेशन नाम का जो चैप्टर है, एरिया, ओके, सरफेस, देन वॉल्यूम, ये अगर आपको फॉर्मूला बाय हार्ट है। अभी एरिया में क्या पूछा जाएगा, ट्रायंगल नाम का फॉर्मूला, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ओके। बाद में एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, ओके। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड। इस तरह से बेसिक फॉर्मूला सब बहट कीजिए, ठीक है। हम आपको आगे आगे वीडियो बनाएंगे, हम अभी एसएससी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, आपके टाइम के हिसाब से आप जब जब फ्री हो तब तब हम आपको ऑनलाइन क्लासेस सिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ ऑनलाइन क्लासेस और चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। नेक्स्ट, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ओके, ये सब फॉर्मूलाज अगर आपको बहट है 100% 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, इजिली यू कैन क्रैक इट। उसके बाद आप टाइम एंड वर्क में जाइए, अगर आपका टाइम एंड वर्क स्ट्रांग है तो आपका पाइप्स एंड सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद टाइम डिस्टेंस स्पीड नाम का चैप्टर, और आखिरी में प्रॉफिट एंड लॉस, इस टाइप के चैप्टर आप ले लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस वेरी इजी, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अगर आपको ये चैप्टर नहीं भी आता हो तो एटलीस्ट आप फॉर्मूलाज लेकर जाइए, ठीक है, फॉर्मूलाज को बहट करके जाइए। लॉस को हम कहते हैं सीपी माइनस एसपी, ओके, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, ओके। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस बाय सीपी इनटू 100। यहाँ पे कॉमन क्या है, सीपी इनटू 100, लाइक ये है कॉमन, खाली प्रॉफिट लॉस ये चेंज होता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप शॉर्टकट में आप रख के जाए तो आपको बहुत आसान होगा ये एसीसी एग्जाम क्रैक करने का। दोस्तों अभी आखिरी का देखेंगे, वो है रीजनिंग। रीजनिंग को आपको स्पेशली ट्रेनिंग जरूरत नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाए, एनालॉगी नाम का क्वेश्चन, यहाँ पे कभी कभी जीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला श्रीलंका, ओके, श्रीलंका महिंदा राजपक्सा, ओके, मैंने बोला महिंदा राजपक्सा, सो पाकिस्तान डैश, इसका मतलब क्या, श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है वो है महिंदा राजपक्सा, ओके, और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन है वो आपको लिखना पड़ेगा ऑप्शंस को देख के। तो जब तक अगर आपका जीके या फिर करंट अफेयर्स या फिर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तब तक आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एसीसी में अगर आप एक भी सवाल छोड़ते हैं इसका मतलब आपने सही तैयारी नहीं की, ओके, ये चीज आप माइंड में रखना, ओके। अभी रीजनिंग में एक और एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, वो है ऐसा, ओके, ये है ट्रायंगल, ओके, उसके बाद हो गया ये सर्कल, अभी इसमें हो गया 1 2 3 4, ओके, कुछ नंबर दिए जाएंगे,
ओके, इस तरह के नंबर दिए जाएंगे। अभी ये सर्कल को बोलेगा लाइक टीचर, ये है स्टूडेंट, ये है सम ऑफिस क्लर्क और समथिंग लाइक दैट। अभी इसमें पूछा जाएगा कितने लोग टीचर, एवरीथिंग, यू नो, फोर। ये सवाल आप देखेंगे तो यू नो इट इज वेरी इजी। इसमें यहाँ पे शॉर्टकट या फिर आपको स्पेशली टीचिंग करने के इतना जरूरी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद में मिरर इमेज नाम का एक टॉपिक है, वाटर इमेज नाम का एक टॉपिक है, राइट, सीरीज नाम का एक टॉपिक है। ओके, इस टाइप का टॉपिक आप रीजनिंग रीजनिंग को आप आराम से पास कर सकते हो, ठीक है। और आखिरी में मैं आपको बोलना चाहता हूँ इंग्लिश। ओके, आखिरी में मैं बोलना चाहता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश में आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अगर आपका रीडिंग हैबिट्स है तो आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आराम से कर सकते हो। उसके बाद में ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप आराम से कर सकते हो। ओके, सिनोनिम्स एंटोनिम्स नाम का जो टॉपिक है वो बहुत कठिन है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे, इवन ग्रेजुएट्स, अच्छे इंग्लिश बोलने वाले बंदे लोग, उनको ही ये तकलीफ होता है ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स अटेंड करने का। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं आता, आप छोड़ दीजिए, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है चीज़ आपका इंग्लिश नाम का चीज़ का। अभी आइए अभी सवाल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ज्योग्राफी में बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में किस टाइप के सवाल आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी में किस टाइप के सवाल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ज्योग्राफी में नदी, रिवर्स, अगर ये लेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ओके, कौन सा नदी वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, कौन सा नदी ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, ये आप ध्यान दे देना। उसके बाद में डैम, कौन से नदी में कौन सा डैम है वो याद कर लेना, बिगेस्ट डैम, टॉलेस्ट डैम, लार्जेस्ट डैम, हाइएस्ट डैम, इस टाइप का। उसके बाद में आपको आएगा सवाल ओरिजिन ऑफ द प्लेस, कहाँ से ओरिजिन होता है। अभी नर्मदा नाम को जो नदी है ये सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है भारत की, ठीक है। अब ये नर्मदा नाम की जो नदी है वो जाती है वेस्ट डायरेक्शन में और इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेट्यू में से। ओके, तो अगर आप पिछला ACC क्वेश्चन पेपर आप अगर आप लेकर देखोगे तो उसमें लिखा गया है कि कुछ में पूछा गया है कि नर्मदा नाम की नदी कहाँ से फ्लो होती है, तो कहाँ से ओरिजिन होती है, अमरकंटक। सो इस टाइप के सवाल आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आगे अभी हिस्ट्री देखेंगे तो लॉर्ड का मैंने बोला था, बाद में रिवॉल्ट, क्रोनोलॉजी, सपोज मैंने बोला साइमन कमीशन भारत में कब आया था, 1928 में आया था। पूर्ण स्वराज, ओके, पूर्ण स्वराज ये कब डिक्लेयर हुआ था, ये सब पिछले ACC में पूछे गए हैं दोस्तों। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या फिर आपको कुछ डाउट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वी विल गेट बैक टू यू। आपके टाइम के अनुसार आप जब जब फ्री हो उस टाइम में हम आपको सिखा देंगे। ओके, पूर्ण स्वराज कब डिक्लेयर किया था, 1930 में। ओके, और ये जगह है लाहौर, लाहौर नाम की जगह में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। इस तरह आप मॉडर्न हिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकते हो। बाद में पॉलिटी मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी ऑर्डिनेंस नाम का एक पावर होता है प्रेसिडेंट का, ये आएगा आर्टिकल 123 में। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, प्रेसिडेंट के जो ऑर्डिनेंस पावर है वो कौन से आर्टिकल में दिए जाते हैं, सो आर्टिकल 123। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपको आपका कुछ डाउट्स क्लियर किया है। इसके बावजूद अगर आपको कुछ डाउट है, मैंने आपको बताया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो ग्रुप को अगर आप क्लिक करते हो तो आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे और जब जब हम नए नए इंटरेस्टिंग क्लासेस लेंगे आपको हम इंटीमेट कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा नंबर 7598486430। हमारा एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो ACC भाई लोगों को आप शेयर कर दीजिए, बिकॉज हमें पता है अंदर जाने के बाद बहुत सारे जवान अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको ऑफिसर बनने की एक ड्रीम होता है, तो उस ड्रीम को हम पूरा करने के लिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। हम है बैंगलोर डिफेंस अकेडमी से, आपके टाइम के अनुसार, आपके छुट्टी के अनुसार हम यहाँ पे क्लासेस लेंगे। क्लासेस हम इंग्लिश में एंड हिंदी में, आपके और तमिल, कन्नड़ा, इस लैंग्वेजेस में हम लेंगे, ठीक है, और मराठी में भी हम लेने के लिए तैयार है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा प्लान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, और पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ACC भाइयों को, ताकि सभी लोग आगे बढ़े। जय हिंद, सी यू नेक्स्ट टाइम।